लोगों का अपार समर्थन जो है मिल रहा है, चाहे किसी भी धर्म के हों, हर जात के हों, हर वर्ग के लोगों का प्यार मिला है। ऐसे हम लोग पीछे चल रहे हैं, भीड़ इतना हो रहा है लोगों का कि हम लोगों को समय पर कार्यक्रम जो है नहीं हो पा रहा, काफ़ी देर रात तक हम लोग पहुँचते हैं, लेकिन समय पर ना भी होने के कारण लोग 8-8 घंटा 10-10 घंटा भी वेट कर रहे हैं। असली लड़ाई यहाँ NDA और महागठबंधन में, और कोई मतलब ED CBI इनकम टैक्स काम कर रही है विपक्षी नेताओं के यहाँ, तो आप समझ जाइए कि भाजपा के लोग घबराए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मेरी जन विश्वास यात्रा में A to Z हर किसी का साथ मिल रहा है, हमने तो फॉर्मूला तैयार किया है, उसका असर साफ दिख रहा है। आज हर जाति वर्ग धर्म समुदाय के लोगों का समर्थन मिल रहा है, लोगों की इतनी भीड़ आ रही है कि तय समय पर कोई कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है और हम लोग समय से लेट चल रहे हैं। इससे बड़ा आशीर्वाद मुझे और क्या चाहिए, जनता का यही प्यार मुझे ताकत देती है। इसके अलावा तेजस्वी यादव से जब यह सवाल किया गया कि सीमांचल में AIMIM को बहुमत हासिल होता है तो पिछले बार भी आपने देखा है, हालांकि बाद में वो आपके साथ आ गए हैं और इसको लेकर AIMIM के सुप्रीमो आप लोगों पर सवाल भी उठाते हैं, तो तेजस्वी ने कहा कि उनसे हमारी कोई लड़ाई ही नहीं है, तो इस सवाल का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। हमारी लड़ाई है NDA के साथ है, और बिहार में भी असली लड़ाई NDA और महागठबंधन में ही है, बाकी बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। राजद सुप्रीमो लालू यादव के छोटे बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर हैं। उस दौरान उनके आज के रोड शो के कार्यक्रम में बदलाव हुआ था, तेजस्वी यादव बीते शाम भागलपुर रवाना नहीं हुए थे, बल्कि आज सुबह उन्होंने भागलपुर से अपनी यात्रा शुरू कर दी है। लंबी दूरी की वजह से रोड शो के प्रोग्राम में बदलाव किया गया था। वहीं भागलपुर रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश को लेकर बड़ी बात कह दी है। वहीं तेजस्वी के जब यह सवाल किया गया कि आपके चाचा यानी नीतीश कुमार आपने साथ छोड़कर चले गए, ऐसे में भाजपा को रोकना कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे किसी बड़ी चुनौती का सामना नहीं करना है, बल्कि उन्होंने नीतीश कुमार को जो झंडा उठाया था उसे झंडे को अब मुझे उठाना है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, वो जरा सुने। के बाद भागलपुर, बांका, जमुई, लखीसराय और मुंगेर, वही रात्रि विश्राम होगा, तो लोगों का अपार समर्थन जो है मिल रहा है, चाहे किसी भी धर्म के हों, हर जात के हों, हर वर्ग के लोगों का प्यार मिला है, और यही कारण है कि समय से हम लोग पीछे चल रहे हैं। भीड़ इतना हो रहा है लोगों का कि हम लोगों को समय पर कार्यक्रम जो है नहीं हो पा रहा, काफ़ी देर रात तक हम लोग पहुँचते हैं, लेकिन समय पर ना भी होने के कारण लोग 8-8 घंटा 10-10 घंटा भी वेट कर रहे हैं, और लोग जो हैं तब भी रात के अंधेरे में भी 12 बजे 2 बजे लोग खड़े रहते हैं, तो लोगों का ये प्यार है और एक विश्वास है, और इस विश्वास पर हम लोगों को खड़े उतरना है। तो जिस विचारधारा से हम लोगों की लड़ाई है उसको बिहार में रोकना है, यही काम मकसद है हम लोगों का। सर पिछले बार भी किसी इलाके में AIMIM गच्चा देके गया था, सर AIMIM का घर था पिछले बार किसी इलाके में, इस बार किस तरह से देखेंगे उसको, किस तरह का करेंगे? नहीं नहीं, ये कोई मतलब नहीं है, कोई सवाल नहीं। असली लड़ाई यहाँ NDA और महागठबंधन में, और कोई मतलब सर रात में रोड एक्सीडेंट में एस्कॉर्ट गाड़ी में एक की हमको सूचना मिला है, कल रात में जो है एस्कॉर्ट गाड़ी में जो ड्राइवर थे उनका निधन हुआ है, कई लोग जो है घायल हुए हैं, तो हम एक पहले एक बार जवाब दें, हमने अपने पार्टी के लोगों को बोला है कि जिनका डेथ हुआ है ये काफ़ी दुखद है जो घटना हुई है, तो नंबर उनके परिजनों का हम मंगवा रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर चाचा आप साथ छोड़ के गए, कितना चुनौती है सर, चाचा आप साथ छोड़ के गए, सर चाचा आपका साथ छोड़ के गए, भाजपा को रोकना कितना बड़ा चुनौती है? नहीं चुनौती नहीं है, जो झंडा वो उठाए थे हम उठाए, और कोई पहली बार लड़ रहे हैं क्या? चाचा का आशीर्वाद का उम्मीद है भविष्य में, चाचा फिर आशीर्वाद देंगे, इस तरह का उम्मीद है? नहीं नहीं, आशीर्वाद क्या है, अब हम तो अब वो दे ना दे, मेरा तो फर्ज बनता है उनको सम्मान देना, और वो हम देते नहीं। लोकसभा चुनाव में 40 सीट पे क्या लग रहा है? अब तो आने वाला आप लोग आकलन करते हैं, बहुत बढ़िया।
आप ही लोग आकलन की। सर रेड पड़ रहा है भोजपुर में, किरण देवी विधायक क्या फर्क पड़ रहा है? जब भी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स काम कर रही है विपक्षी नेताओं के यहाँ, तो आप समझ जाइए कि भाजपा के लोग घबराए हुए हैं और आप जो है अच्छा काम कर रहे हैं। आपने सुना तेजस्वी यादव ने क्या कहा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC24 पर। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना।